हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके पास इस तरीके का बाइक का स्पार्क प्लग पड़ा हुआ है तो आप इससे अमेजिंग चीज़ बना सकते हो और अच्छी चीज़ बना सकते हो। इसको आप ख़राब समझकर फेंक देते हो और ख़राब को भी फेंक देते हो, आज के बाद नहीं फेंकोगे। इससे मैं आपको एक कमाल की चीज़ बनाकर दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपके बहुत पैसे बचेंगे। तो फटाफट से हम ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरीके का बाइक का स्पार्क प्लग ले लिया, जो भी स्पार्क प्लग बोलते हैं इसको ले लिया मैंने। आप कौन सी भी बाइक का ले सकते हो, स्प्लेंडर प्लस, जो भी पल्सर वगैरह और KTM वगैरह, बुलेट वगैरह, जो भी आपके पास मोटरसाइकिल, उसका आपको स्पार्क प्लग ले लेना है। और स्पार्क प्लग लेने के बाद आपको यह वाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा, इसको आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है। तो फटाफट से मैं एक बार नीचे मेज से नीचे रख कर तोड़ देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको आराम आराम से फोड़ लेना है, ज़्यादा नहीं मारना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक ठाक टुकड़े करने। इसको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके के टुकड़े हो गए हैं। इन टुकड़ों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, या आपके जो भी बीच वाला हिस्सा बच गया है इसको आपको छोड़ देना। मैंने इस तरीके के कुछ टुकड़े ले लिए हैं और इसको भी आप थोड़ा थोड़ा कर तोड़ लेना है। ये तो टूट नहीं रहा है, इस तरीके के मैंने कुछ पार्ट तोड़ लिए हैं तो इसका ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरीके के तोड़ने के बाद आपको ये पीस रख लेने हैं। और मैंने इस तरीके का एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है। लकड़ी का टुकड़ा लेने के बाद इसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी है, इसके अंदर आपको जो भी आगे से ये नुकीली दिखे वो आपको वो ही पीस लेना है। मैं एक बार देख लेता हूँ इसके अंदर कौन सा पीस अच्छा आगे से धारदार है, तो एक बार तो मैं ये ही ले लेता हूँ। और वैसे तो धारदार ये है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, तो मैं एक बार इस तरह ये पीस ले लेता हूँ। इस पीस को मैं इस लकड़ी के टुकड़े पर इस तरीके से फेविक्विक की मदद से मैं अच्छी तरीके से चिपका दूंगा। तो फेविक्विक का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो इस तरीके से एक बार मैं फेविक्विक डाल देता हूँ। ये आगे से फेविक्विक बंद हो गई है, तो मैं एक बार इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद हम इस फेविक्विक को इसके ऊपर चिपका देंगे फेविक्विक की मदद से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए मज़ेदार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो और रिपेयरिंग वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से फेविक्विक डाल देनी है। फेविक्विक डालने के बाद आपको इस लकड़ी के ऊपर अच्छी तरीके से चिपका देना है। इस तरीके से आपको आगे जो नुकीली चीज़ है इसको आगे रखना है, इस तरीके से चिपका लेना है। इसके बाद मैंने एक इस तरीके का तागा ले लिया है, इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे। आपको अच्छी तरीके से अच्छा क्वांटिटी में इसके ऊपर आपको इस तरीके से लपेट देना है। इसके ऊपर तरीके से मैंने इस तागे को लपेट लिया है। इसके ऊपर लपेटने के बाद मैं इस तरीके से इसके ऊपर फेविक्विक डाल देता हूँ। इसके अंदर से धुआं भी निकलेगा, आप इस तरीके से डालोगे तो अपनी आंखों की सेफ्टी रखें। ये आंखों में जाने के बाद आंखों को ख़राब कर देता है, तो आप थोड़ी सेफ्टी ज़रूर रखें, आंखों से और मुंह से इसको दूर रखें। इस तरीके से एक बार आपको इसको सूखने देना है। सूख देने के बाद मैं आपको इसका कमाल दिखाने वाला हूँ। तरीके से ये बनकर तैयार हो गया है। और इस तरीके से मैंने ग्लास के टुकड़े ले लिए हैं और ये ग्लास कटर बन चुका है हमारा। इस तरीके से कोई भी ग्लास ले सकते हो आप और उसके ऊपर अच्छे तरीके से आप जहाँ से काटना चाहो इस तरीके से आपको मार्किंग लगा लेनी है। अच्छी तरीके से मार्किंग लगा लेनी है। मार्किंग लगाने के बाद आप तोड़ना चाहो वहाँ से ही आप इसको इस तरीके से हथौड़े की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मार कर और इस तरीके से आप कोई कपड़ा रखकर इस तरीके से तोड़ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।